एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल मतलब वाटर से उसका कनेक्शन है, वाटर उसे लेके आया है। मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा एरिया में है। कहाँ? नॉर्थर्न प्लेन इंडिया में, नॉर्थ साइड में, ऊपर की साइड में जो नदी के पानी के साथ मिट्टी आ गई ना, वो एलुवियल सोयल है। कि कौन सी मेन रिवर्स हैं जिसने इससे बनाया? इंडस है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है। तीन रिवर्स ने ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूट किया है इसे एलुवियल सोयल को बनाने में। ठीक है, तो नॉर्थर्न प्लेन पे ये है। एलुवियल सोयल आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट पे भी, जहाँ तक रिवर हैं वहाँ वो फेमस मेनली वो वहीं पाई जाएगी जहाँ पर रिवर पहुँच रही हैं। ठीक है, क्योंकि रिवर्स में ही वो चीज़ें आ रही हैं और वो इकट्ठा हो रही हैं और वो सोयल बन रही है, तो एलुवियल सोयल वही है। ईस्टर्न साइड पर भी है। किस कौन सी रिवर ने बनाई है? महादी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स ने भी, नॉर्थर्न प्लेन पे भी और ईस्टर्न साइड पे भी। जहाँ तक रिवर है वहाँ एलुवियल सोयल है। एलुवियल सोयल में मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप के हैं, सैंड, स्लेट एंड क्ले। ये सारे डिवीजन साइज़ के बेस पर हैं, कौन बड़ा छोटा, उससे क्ले से छोटा है। ठीक है, तो ये बहुत फर्टाइल सोयल है। इसमें मेनली क्या ग्रो किया जाता है? एग्रीकल्चर इसमें बहुत अच्छी होती है एलुवियल सोयल में। ठीक है, जो सोयल के जो मेन इसका क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कितने टाइप के, दो टाइप के, एक तो खादर है, दूसरा बांगर है। तो बांगर सोयल जो ओल्ड टाइप की है, ओल्ड टाइप में तो जो पहले मिट्टी आ गई वो वाली। ठीक है, और खादर सोयल मतलब जो नई टाइप की जो अभी आई है, मतलब बांगर के बाद आई है। बांगर मतलब बहुत पुरानी आके इकट्ठा हो चुकी है वो बांगर सोयल, और जो नई आया है पानी जिसे बाहर लेके आया है वो खादर की कैटेगरी में आता है। जो एलुवियल सोयल है वो बहुत फर्टाइल है वो। ठीक है, वेरी फर्टाइल, इसमें सब कुछ अच्छे से होगा। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि इसमें है पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, जो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। किसके लिए? शुगर कैन, पैडी, वीट एंड अदर फसलों के लिए, जैसे दालों के लिए, गन्ने के लिए और पैडी के लिए। ये बहुत अच्छा होता है सारे चीज़ें, फास्फोरिक और लाइम एंड पोटास। जो फर्टिलाइजर है NPK है तो उसमें पोटास होता है, तो जहाँ कमी होती है वहाँ गिरा जाता है। पर एलुवियल सोयल में ये सब चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में होती हैं और इससे फसल अच्छे से ग्रो कर सकती है। ठीक है, इसीलिए एलुवियल सोयल जहाँ पाई जाती है वहाँ वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और अच्छे से कल्टिवेशन वहाँ अच्छे से होती है, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। खेती अच्छी होती तो लोग ज़्यादा वहीं आएंगे। तो एलुवियल सोयल दो टाइप की, खादर और बांगर। बांगर ओल्ड वाला है जो पहले आके इकट्ठा हो चुकी, खादर नया वाला है। ये बहुत फर्टाइल टाइप की सोयल है, नदियों से बहा के लेके आई हैं, उसमें शुगर कैन, पेड़ी सब कुछ अच्छे से फसल ग्रो कर सकती है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में होता है, इसके पास मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो ही जाता है क्योंकि यहाँ अच्छे से फसल ग्रो करती हैं। तो पहले तो उसी बेस पे लोग वहाँ घर बनाते थे जहाँ वो रह सकें।